हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना क्रिसमस व्लॉग। तो देखिए, इस बार हम क्रिसमस पे बहुत जगह घूमने गए। सबसे पहले हम गए मॉल। तो देखिए, इस समय हम मॉल पहुँच चुके हैं, फीनिक्स मॉल, और वहाँ पर हम वेट कर रहे हैं लिफ्ट का कि लिफ्ट आए। फिर हम मॉल में एंटर कर लिया हम लोगों ने, और मॉल बहुत अच्छे से डेकोरेट था। बहुत ज़्यादा रश भी था क्योंकि न्यू ईयर था, तो इस चक्कर में रश भी बहुत था। मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि न्यू ईयर के चक्कर में कितना अच्छे से सब कुछ डेकोरेट कर रखा था। क्रिसमस ट्री इतना सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। ये देखिए, हम सब लोग, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, हम लोग सब रेडी हैं फिनिक्स मॉल में इंजॉय करने के लिए, सेल्फीज़ लेने के लिए। तो देखिए, हम आगे और भी बहुत जगह गए हैं, तो आप इस ब्लॉग में बने रहिएगा ये देखने के लिए कि हम कहाँ कहाँ गए। हम मॉल गए, इसके बाद हम चर्च गए, और भी बहुत सारी जगह गए हैं। तो इस ब्लॉग में बने रहिएगा, ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और देखिएगा कि किस तरीके से हम लोग क्रिसमस पे इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर क्रिसमस ट्री को कितने अच्छे से डेकोरेट करा है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ये, बहुत ही ज़्यादा। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल। और यहाँ पर सब सेल्फीज़ लेने के लिए खड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि सब सेल्फीज़ लेने के लिए, ट्री के साथ सेल्फीज़ लेने के लिए थे। और हमें बाद में सेंटा क्लॉथ भी मिले, हमने सेंटा क्लॉथ के साथ वीडियो भी बनाई और फ़ोटोज़ भी क्लिक करे। तो आप देखिएगा कि मतलब कितने अच्छे से इस बार सेंटा, हम लोग को सेंटा भी मिल गए और हमने क्रिसमस भी इंजॉय कर लिया। देखिए, इस तरीके से हम घूम रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश थी। और इवन जब हम लोग ऊपर रेस्टोरेंट में पहुँचे, मैकडोनल्ड्स में पहुँचे, इतना ज़्यादा रश था कि मतलब इवन बैठने तक की जगह नहीं थी। बट फिर भी हमने बहुत इन्जॉय करा। और फ्रेंड्स, ये जो मेरा मेकअप लुक है, ये मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और ये देखिए, हैमलीज़ बच्चों के लिए, ये यहाँ पर मेरे बच्चे इन्जॉय कर रहे हैं टॉयस के साथ, क्योंकि आपको तो बच्चे पता ही है कि बच्चे को टॉयस बहुत अच्छा लगता है। तो ये लोग यहाँ पर फैमिलीज में इंजॉय कर रहे हैं। एंड आफ्टर देन इन लोगों ने राइड करी इस पांडा वाली ट्रेन पे, जो कि बच्चों के लिए एक आकर्षण का केंद्र थी। वहां पर सारे बच्चे इसमें इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी यहाँ पर मॉल में, थोड़ी सी खाने पीने की चीज़ें और मग वगैरह बहुत अच्छे थे, तो थोड़ी सी हमने शॉपिंग करी। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेकोरेटिव आइटम कितने प्यारे हैं। लुक एट दिस फ्लावर पॉट, ये जो है बहुत अच्छे लगते हैं अगर आप इनको डेकोरेट करते हैं। तो इस तरीके से थोड़ी सी हम लोगों ने शॉपिंग करी मॉल में। यहाँ पर जो किचन आइटम थे वो बहुत ही अच्छे थे और अफोर्डेबल भी थे। फीनिक्स मॉल के बाहर इस तरीके की शॉप भी लगी थी, जहाँ पे मतलब किचन आइटम, वूलन आइटम, पर्स वगैरह काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर थे और काफ़ी अच्छे थे। तो मतलब इस तरीके की शॉप इस बार पहली बार फीनिक्स मॉल के बाहर लगी थी, जो कि बहुत अच्छी थी। यहाँ पे वूलन कैप्स, वूलन टॉप एंड एसेसरीज़ वगैरह सब थी। हमने यहाँ से थोड़ी शॉपिंग भी करी है। मे बी इस व्लॉग में या फिर नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है यहाँ से। और इसके बाद हम लोगों ने पाव भाजी खाई थी और अब फिर हम यहाँ से निकल चुके थे। देखिए, यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ गाड़ी का, हस्बैंड लेने गए हैं पार्किंग में, तो मैं और मेरा बेटा यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपने इनके पापा के आने का। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे। फिनिक्स मॉल से निकलने के बाद हम पहुँच गए थे चर्च। फिर हम चर्च गए, बच्चों ने वहाँ पे चर्च में जो झांकी बनी हुई थी, बच्चों ने उनको देखा। फिर चर्च में हम लोगों ने सब घूमे,
यहाँ पे देखिए इस तरीके की झांकी सजी हुई थी और बाकी झांकियाँ जो थी वो वहाँ पे सज रही थी। तो बच्चों को हमने दिखाया सब अच्छे से और यहाँ पे थोड़ी सी हमने सेल्फीज़ वगैरह ली। यहाँ पे जो है सेल्फी पॉइंट भी बहुत अच्छा बना था। ये रहा चर्च अंदर से। और उसके बाद हम आ गए थे मोमो हट, क्योंकि हमने सोचा कि दिन भर घूमने के बाद थोड़ा सा पेट पूजा भी की जाए। तो आफ्टर देन वी रीच मोमो हट, और मोमो हट पर जाने के बाद हम लोगों ने मोमो स्प्रिंग रोल वगैरह इन्जॉय करिए। ये देखिए बेटे बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं और अब हम कर रहे हैं, आ गया है हमारा ऑर्डर। और फिर हम यहाँ से मोमो स्प्रिंग रोल खाने के बाद निकल गए। फिर वहाँ पे हमें मिले सेंटा, फिर हम लोग ने सेंटा के साथ सेल्फीज ली, सेंटा ने बच्चों को चॉकलेट। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप देख सकते हैं अब हम सब आ गए घर वापस। और फ्रेंड्स मैं आपको क्या बताऊँ, कितनी ठंड हो रही है बाहर, इतनी ठंड हो रही है कि हाथ इतने नम हो चुके हैं कि मत ही पूछिए। तो देखिए अब हम आ चुके हैं घर वापस और अब मैं बनाती हूँ एक गर्मा गर्म चाय और हम सब लोग करते हैं इंजॉय गर्म गर्म चाय ठंड में। और यही करती हूँ इस व्लॉग का एंड। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, ऐसे ही मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा और नए नए व्लॉग इंजॉय करिएगा। बेटा सबको बोलो हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस। Happy Christmas, everyone! Happy Christmas! Happy Christmas! Oh, oh, oh.